मूवी की शुरुआत में हमें बेहद ही खूबसूरत जंगल दिखाया जाता है जो अमेजोन का जंगल है, जहां पर एक पेड़ के नीचे हमें शिकार का इंतज़ार करती हुई एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है एनबो। वहां शिकार के लिए जाल बिछाकर उसमें शिकार फंसने का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि वह उस फंदे में चारा लगाना भूल गई है, इसलिए वह चारा लगाने जाती है। चारा लगाते समय उसे सामने से आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर एनबो को ये लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर है जो उसकी तरफ आ रहा है। ये सोचकर वह उस तरफ तीर चलाती है। उसके तीर चलाने के अंदाज से हमें ये पता चलता है कि उसे तीर चलाना नहीं आता है। एनबो जब देखती है कि वह तो सिर्फ एक बंदर है तो वह वापस आने लगती हैं। इतने में वह अचानक अपने ही लगाए हुए फंदे में ट्रैप हो जाती हैं। एनबो के फंदे में फंस जाने के बाद एक शिकार आकर उसका चारा उसी के सामने खाता है और एनबो का मजाक बना देता है। ये सीन ही कट होता है और अगले सीन में हमें जूमी को दिखाया जाता है जो कंडामो में रहने वाली एक साई मुखिया की लड़की थी। कंडामो कबीला एक बहुत बड़े मुसीबत से गुजर रहा था। उनके नदियों में मछलियाँ रहस्यमय तरीके से मर रही थी और वहाँ के कबीले के लोग भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे। उस कबीले वालों का मानना था कि ये सब श्राप की वजह से हो रहा है। इस कबीले का मुखिया जूमी को उस पूरे कबीले की जिम्मेदारी सौंपना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि जूमी उस कबीले से श्राप खत्म कर सकती हैं। उस रात वो मुखिया सभी कबीले वालों को इकट्ठा होने का आदेश देता है। वही दूसरी तरफ एनबो अभी भी उसी पेड़ से लटकी हुई थी। तभी वहाँ पर एपोक आता है जो उस कबीले का एक सिपाही है। एनबो उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ से उतार दो, मुझे जूमी के समारोह में जाना है। पर एपोक उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और वो चाकू को पेड़ के तने में गाड़कर एनबो से अपनी मदद खुद करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। एनबो उस चाकू को ज़मीन से उखाड़ने की काफ़ी कोशिश करती हैं। इसी कोशिश में काफ़ी समय गुजर जाता है। कुछ समय बाद एनबो के पास दो रूहानी फरिश्ते आते हैं जिनके नाम होते हैं वाका और डिल्लो। पहले पहले तो एनबो को लगता है कि वह काफ़ी देर से उल्टी लटक रही हैं, इसलिए उसे ये सब वहम हो रहा है। पर वे रूहानी फरिश्ते उसे समझाते हैं कि वे असली में रूहानी फरिश्ते हैं और वो उसकी मदद करने के लिए आए हैं। अब एनबो भी उन दो रूहानी फरिश्तों पर विश्वास कर लेती हैं। उसके बाद वे रूहानी फरिश्ते एनबो को नीचे उतारते हैं और वे तीनों मिलकर जूमी के समारोह को ज्वाइन करने के लिए चल देते हैं। समारोह पहुंचने से कुछ दूर पहले एनबो उन दोनों को एक जगह खड़े रहने को बोलती हैं। वो उन्हें कहती हैं कि मैं तुम्हें बुलाऊंगी तभी आना। वही समारोह में जूमी काफ़ी अपसेट होती हैं क्योंकि उसकी सबसे प्यारी फ्रेंड एनबो उसके समारोह में अब तक नहीं आई थी। कबीले के लोग मिलकर जूमी को उस पूरे कबीले की मुखिया बना देते हैं और पूरे कबीले की रक्षा का दायित्व उसे सौंप देते हैं। इतने में एनबो भी उस समारोह में पहुंच जाती हैं जिसे देखकर जूमी काफ़ी खुश होती हैं। एनबो जूमी से कहती हैं कि वो जूमी के लिए एक तोहफा लाई है। तोहफे में उसने रूहानी फरिश्तों को लाया है जो गाँव के शराब की वजह से गायब हो गए थे। वो उन रूहानी फरिश्तों को वहाँ पर आने के लिए आवाज़ लगाती हैं पर वाका और डिल्लो उस गांव के श्राप से डरकर पहले ही भाग चुके थे। वे एनबो के बुलाने पर नहीं आते जिससे कबीले वालों को लगता है कि एनबो झूठ बोल रही हैं। इस तरह पूरे कबीले के सामने एनबो की बेइज्जती हो जाती है। इस कारण एनबो दुखी होकर वापस उसी पेड़ के पास आ जाती हैं जहाँ पर उसे वही रूहानी फरिश्ते वापस मिलते हैं जिन्हें एनबो डांटने लगती हैं क्योंकि उनकी वजह से उसकी पूरे कबीले के सामने बेइज्जती हो गई थी। वे रूहानी फरिश्ते एनबो को बताते हैं कि वे इस कबीले पर जो एकरोना का श्राप है उसे ख़त्म करने का एक तरीका बता सकते हैं। एनबो उन दोनों से वो तरीका पूछती हैं तो वे बताते हैं कि इस जंगल के नीचे एक पेड़ की जड़ है जो एकरोना का श्राप ख़त्म कर सकती हैं। एनबो उनसे पूछती हैं कि वो जड़ कहाँ है तो वे बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता, पर वे एक ऐसे जीव को जानते हैं जिसे ये पता है कि वो जड़ कहाँ है। उसका नाम होता है मार्टोमेलो मामा जो एक विशाल कछुआ है। ये सुनकर एनबो जूमी के पास आती है और उसे ये सारा किस्सा सुनाती है पर जूमी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। जूमी उसे सख्त आदेश देती हैं कि वो कंडामो से किसी मार्टोमेलो मामा को ढूंढने नहीं जाएगी। उसकी इन बातों से एनबो काफ़ी निराश हो जाती हैं। तभी उसके पास उसकी दाई माँ कानो आती है और उसे बताती हैं कि वह एक खास बच्ची है
जिसे रूहानी फरिश्ते दिखते हैं। वो आगे बताती हैं कि एनबो की माँ ने सपने में आकर उसे वो जगह बताई थी जहाँ पर कानों को एनबो मिली थी। ये बातें करते करते एनबो सो जाती हैं। अगले दिन उठकर एनबी जुमी के पास आती हैं और उसे कानों से उसके और उसकी मॉम के बारे में रहस्यमय बातें सुनने के लिए जीत करती हैं। एनबो के काफ़ी जीत करने पर वो उसके साथ कानों के पास जाती हैं। वहाँ पर जाकर एनबो और जुमी देखती हैं कि कानों की मौत हो चुकी है। तभी वहाँ पर एपोक आ जाता है जो एनबो पर आरोप लगाता है कि कानों की मौत उसके और उसके रूहानी फरिश्तों की वजह से गई है। ये सुनकर एनबो वहाँ से भाग जाती हैं। उसके जाने के बाद एपोक भी उसके पीछे जाने लगता है। जुमी उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करती हैं पर एपोक उसकी एक बात नहीं सुनता। वह एनबो के पीछे चला जाता है। एनबो जंगल में जाकर रोने लगती हैं। तभी उसे वहाँ पर एक छोटा और बहुत ही प्यारा सा कछुआ मिलता है। उसे देखकर एनबो सोचती हैं कि शायद ये मोटेलो मामा का दूत है, इसलिए वह मोटेलो मामा को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ जाती हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद एनबो को भूख लगती है। एनबो एक जगह पेड़ पर लगे हुए फलों को देखती हैं। एनबो को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी इसलिए वह उन फलों को तोड़ने लगती हैं। तभी पेड़ पर बैठे चमगादड़ एनबो पर अटैक कर देते हैं और वो उसे उड़ाकर ले जाने लगते हैं। इतने में बाका और डिल्लो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो एनबो को उन चमगादड़ों से बचा लेते हैं। उन्हें देखकर एनबो बताती हैं कि उनकी दाई माँ कानो ये दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं। एक एक कर वह रोने लगती हैं। वहीं हमें जूमी और उसके कबीले को दिखाया जाता है जो कानों का पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करते हैं और उसे इस दुनिया से विदा करते हैं। आगे एपोक एनबो को ढूंढ रहा होता है तो उसे जंगल में एनबो के तीर मिलते हैं जिससे एपोक को पता चल जाता है कि एनबो किस तरफ गई है। वही कबीले में जूमी उस कबीले के पूर्व मुखिया को बताती है कि एपोक ने उसका आदेश नहीं माना और वो एनबो के पीछे चला गया है। ये सुनकर वो मुखिया जूमी को कहता है कि तुम्हें दो सिपाही लेकर एपोक के पीछे जाना चाहिए, नहीं तो वो एपोक एनबो के साथ कुछ गलत कर सकता है। ये सुनकर जूमी दो सिपाहियों को लेकर एनबो को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल देती हैं। आगे रास्ते में चलते चलते उन दो फरिश्ते वाका और डिल्लो को भूख लगती हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ फल दिखते हैं। वे एनबो से कहते हैं कि तुम तीर चलाकर उन फल को नीचे गिराओ ताकि हम खा सके, पर एनबो के पास तीर नहीं थे, वे रास्ते में खो गए थे। इसलिए डिल्लो एनबो को घास का एक तिनका देता है पर एनबो उसे चला नहीं पाती। ये देखकर डिल्लो उस तीर से उन फलों को नीचे गिरा देता है। वह एनबो से कहता है कि तुम्हें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए जिसके दम पर तुम कुछ भी कर सकती हो। आगे एनबो उनसे ग्रेट रिवर तक ले जाने के लिए पूछती हैं क्योंकि उसे ग्रेट रिवर तक जाने का रास्ता मालूम नहीं था। कुछ देर तक आनाकानी करने के बाद वाका और डिल्लो उसे ग्रेट रिवर तक ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर वे तीनों ग्रेट रिवर के लिए रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर सफर करने के बाद वाका अचानक रुक जाता है। वे देखते हैं कि कहीं से भयानक धुआं आ रहा है। डिल्लो बताता है कि यहाँ पर आकर रोना रहता है, जिससे डर कर डिल्लो और वाका वहाँ से भाग जाते हैं, पर एनबो उस धुएँ की तरफ आगे बढ़ जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक खदान है जहाँ पर खुदाई चल रही है और हर जगह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। वहाँ पर एनबो के सामने एक आदमी आ जाता है जिसकी आंखें अचानक लाल हो जाती हैं। एनबो को देखकर ये लगता है कि वह उस आदमी के वश में हो रही हैं। तभी कहीं से डिल्लो और वाका आ जाते हैं और वो एनबो को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। वही धुआं उनका लगातार पीछा कर रहा होता है। इस धुएं से बचकर भागते भागते वे तीनों नदी में गिर जाते हैं और तैरकर नदी के किनारे आ जाते हैं। यहाँ पहुँचते ही वो धुआं भी उनका पीछा करना छोड़ देता है क्योंकि यहाँ पर मोटेलो मामा का राज चलता था। आगे एनबो उन दो फरिश्तों को वही छोड़कर मोटेलो मामा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। कुछ दूर जाने के बाद जब एनबो नदी में अपना मुंह धो रही होती हैं तो कोई उसके पीछे आता है और उसे किडनैप कर लेता है। जब वो आदमी एनबो के आँख से पट्टी हटाता है तो वह एपोक होता है जिसे एनबो के गिरे हुए तीरों की मदद से उसे ढूंढ लिया था। वह एनबो के हाथ को खोल देता है। हाथ खुलने पर एनबो वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर एपोक उसे पकड़ लेता है। एपोक उसे मारना चाहता था क्योंकि उसका मानना था कि कंडोला कबीले में जो श्राप है उसका मुख्य कारण एनबो है, जिसे मारने पर श्राप भी खत्म हो जाएगा।
इतने में जमीन हिलने लगती है जिससे एपोक जमीन पर जा गिरता है, पर एनबो एक विशाल तालाब में गिर जाती है। तालाब के किनारे आने पर उसे एक छोटा सा कछुआ दिखाई देता है। एनबो उस कछुए को फॉलो करने लगती है। एनबो जब उस कछुए को फॉलो करते हुए जाती हैं तो उसे वहाँ पर मोटेलो मामा मिलते हैं। एनबो उनको बताती हैं कि वो लेजिमी की बेटी हैं। मोटेलो मामा उसे कहते हैं कि वो बिल्कुल अपनी मम्मी पर गई हैं। आगे मोटेलो मामा उसे बताते हैं कि जिस जड़ की उसे तलाश है वो उसी पेड़ की जड़ है जहाँ पर एनबो हर वक्त खेला करती हैं, जिस पेड़ में उसकी मम्मी लेजिमी की आत्मा बसती है। उस पेड़ की जड़ों को एक पवित्र छुरी से काटना होगा जो आसमानी पत्थर से बनी हो, जिसे उस जंगल में एकोरोना का श्राप खत्म हो जाएगा। एनबो मोटेलो मामा से पूछती हैं कि उसे आसमानी पत्थर कहाँ मिलेगा, तो मोटेलो मामा उसे बताते हैं कि आसमानी पत्थर उसे पेले हो के पास मिलेगा, जो ऊँचे पहाड़ों में रहता है, जो कि काफ़ी खड़ूस है, पर उसके पास जाने के लिए तोहफा ले जाना बहुत ज़रूरी है। मोटेलो मामा की बात मानकर एनबो पेलेओ के पास जाने के लिए रवाना हो जाती है। वही बेहोश पड़े एपोक के पास एकोरोना आता है जो उसे उसका खंजर लौटा देता है। आगे एनबो चलते चलते काफ़ी थक जाती हैं और थक कर नीचे गिर जाती हैं। तभी उसके सामने वाका और डिल्लो आ जाते हैं जो उसे जगाते हैं। एनबो को पेलेओ के लिए एक तोहफा ले जाना था, इसलिए वाका और डिल्लो उसे सजेशन देते हैं कि उसे ये मीठे पत्तों वाला पेड़ लेकर जाना चाहिए। डिल्लो उस पेड़ को तोड़ता है और उसे ऊंचाई तक ले जाने के लिए वह एक गाड़ी का भी निर्माण करता है। उसके बाद वे तीनों उस पेड़ को ऊंचाई तक ले जाने लगते हैं। पेड़ बहुत भारी था इसलिए उन तीनों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वही हमें जूमी को दिखाया जाता है जिसे एपोक और एकोरोना मिलते हैं। एकोरोना एक साइंटिस्ट होता है। वह जूमी से कहता है कि वह जूमी के पूरे कबीले वालों को ठीक कर सकता है क्योंकि उसके पास मॉडर्न दवाइयां हैं। जूमी को दवाइयों के बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि वह एक आदिवासी कबीले में रहती थी जो कि पूरी दुनिया से कटा हुआ था। आगे एकोरोना जूमी से कहता है कि वो उसके कबीले वालों को ठीक तो कर देगा पर इसके लिए उसे सोना देना पड़ेगा, तो जूमी भी इसके लिए राजी हो जाती हैं क्योंकि सोना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वे सभी कंडामो वापस लौट जाते हैं। वो एनबो और उसके दो फरिश्ते किसी तरह बड़ी मुश्किल से पेलेओ के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर एनबो पेलेओ को कहती हैं कि उन्हें मोटेलो मामा ने भेजा है आसमानी पत्थर के लिए। पहले तो पेलेओ भाव खाता है पर जब एनबो उसे वो मीठे पत्तियों वाला पेड़ दिखाती हैं तो एनबो को आसमानी पत्थर दे देता है। साथ में वह उस आसमानी पत्थर से छुरी भी बना देता है। उसके बाद वह उन तीनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि उस पर्वत पर ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया था। उन तीनों के जाने के रास्ते भी बंद हो गए थे। ये देखकर एनबो पेलेओ से उनका पंखा मांगती हैं। इस पंखे के बदले वहाँ पेलेओ को बहुत सारे मीठी पत्ती वाले पेड़ लाने का वादा करती हैं। पेलेओ भी उसे अपना पंखा दे देता है। एनबो और उसके दो फरिश्ते वो पंखा लेकर पहाड़ की चोटी पर आ जाते हैं। यहाँ से वे तीनों उस पंखे पर चढ़कर वहाँ से नीचे आने की कोशिश करते हैं, पर वाका बहुत भारी था इसलिए पंखा उसको लेकर नहीं उठ सकता था। वाका उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों जाओ, मैं इसमें नहीं आ सकता। एक एक कर वहाँ उन दोनों को हवा में उड़ा देता है। एनबो और डिल्लो उस पंखे की मदद से उड़ते हुए कंडामो पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वे उसी पेड़ के नीचे लैंड करते हैं जो एनबो की माँ का पेड़ था। कुछ देर बाद वाका भी कहीं से उसी जगह पर लैंड करता है। एनबो उस आसमानी पत्थर की छुरी से उस पेड़ की जड़ को काटने वाली होती है कि तभी जूमी उसके पास आ जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि अब उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक आदमी ने उसके पिता को ठीक कर दिया है, वह सारे कबीले वालों को भी ठीक कर देगा। जब एनबो उस आदमी से मिलती हैं तो वह डर जाती हैं और भागकर बाहर आ जाती हैं। जूमी के पूछने पर वह कहती हैं कि ये कोई आदमी नहीं, एक शैतान है, इसका नाम एकोरोना है। पर जूमी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि एनबो झूठ बोलती रहती हैं। आगे एपोक को भी पता चल जाता है कि उनके कबीले का जो आदमी है वही एकोरोना है। वो भागते हुए एनबो के पास आता है जो अपनी माँ के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। सभी मिलकर उसकी जड़ों में वो आसमानी पत्थर से बनी हुई छुरी डालते हैं
जिसे उस पेड़ में से एनबो की माँ लेजमी प्रकट होती हैं, जिसे देखकर एनबो बहुत खुश होती हैं। लेजमी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक तीर बनाती हैं और इस तीर को अपनी बेटी एनबो को सौंप देती हैं। आगे हम देखते हैं कि कुछ मशीनें जंगलों को रोकती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं। वही कबीले में एकरोना जूमी और उसके पिता को अपने वश में कर लेता है। जूमी उसके बस में होकर उसकी गुलाम बन जाती हैं और अपने पूरे कबीले को उसके सामने घुटने टेकने के लिए कहती हैं। वह कहती हैं कि उसे मशीनों की सेवा करनी होगी जो ज़मीन से सोना निकालती हैं। आगे लेजिमी आग का गोला बनकर उन गाड़ियों के पास जाती हैं और उन्हें वही रुकने का आदेश देती हैं। फिर वो इसी तरह जूमी के पास जाती हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि एकरोना असल में एनबो का पिता है, जिसे सबसे पहले लेजिमी इस जगह पर लेकर आई थी, लेकिन सोने को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई और वो एक लालच के कारण एक राक्षस में बदल गया था। असल में एकरोना एनबो का पिता था। इन सब बातों से एकरोना भड़क जाता है और वो एक हरे शैतान में बदल जाता है। वह जूमी को लेकर गाड़ी की तरफ भाग जाता है। ये देखकर एनबो, एपोक और वो दो रूहानी फरिश्ते भी जूमी को बचाने के लिए एकरोना के पीछे जाते हैं, जहाँ पर एनबो को ये जानने के बाद कि एकरोना उसके पिता हैं, तो वह उन पर तीर चला नहीं पा रही थी। तभी उसकी मॉम लेजिमी वहाँ पर प्रकट होती हैं और वो एनबो को बताती हैं कि वह अपने पिता को नहीं मार रही हैं, बल्कि उनके अंदर की बुराइयों को मार रही हैं। अपनी मॉम के समझाने पर वह एकरोना पर तीर चला देती हैं, जिससे एकरोना के अंदर की सारी बुराई खत्म हो जाती हैं और वो एक इंसान में तब्दील हो जाता है। इंसान में तब्दील हो जाने के बाद वह अपनी बेटी और बीबी से मिलता है। अंत में लेजिमी और एकरोना वापस उसी पेड़ में एक शक्ति बनकर समा जाते हैं। अब पूरे गांव में खुशहाली आ जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।